कभी तो पास मेरे आओ, कभी तो नजर मुझसे मिलाओ, कभी तो दिल से दिल को मिलाओ, हो जाना मेरी जान। तो गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो जैसा कि आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग पर जो स्टेटस को देखा, तो आज की इस वीडियो में आपको इसी तरीके का स्टेटस बनाने सिखाऊंगा। अगर आपको अपना खुद का इस तरीके का स्टेटस बनाना है तो मेरे वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर आप मेरे वीडियो को बीच में स्किप कर दीजिएगा तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है, तो इसीलिए आप मेरे वीडियो को एंड तक देखते रहिए अगर आपको इस तरीके का स्टेटस बनाना है। तो इससे पहले बता दूँ कि इस तरीके का स्टेटस बनाने के लिए आपके पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है काइंड मास्टर। अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है तो गाइस आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डायरेक्टली इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इस ऐप का लिंक प्रोवाइड कर चुका हूं, तो आप जाकर वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस अगर आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कीजिएगा तो आपको अपने एप्लीकेशन में वाटरमार्क देखने को मिल जाएगा, तो इसीलिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ गाइस, मैं अपने स्टेटस को बनाने के लिए जो भी मटेरियल का यूज करता हूँ वो सारा मटेरियल का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होता रहता है। अगर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन से कोई भी मटेरियल डाउनलोड करने में दिक्कत होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डायरेक्टली इन सारे मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और गाइस चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो एंड मैसेज कीजिए तो मैं आपको इस ऐप का लिंक डायरेक्टली सेंड कर दूंगा। तो गाइस अगर आप अभी तक मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना, प्लस के आइकन पर क्लिक करना और आपको वन बाय वन वाला आपको रेशियो सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको क्या करना गाइस, आपको मीडिया का ऑप्शन दिखता होगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड आप जो भी मतलब अपना इमेज का स्टेटस बनाना चाहते हैं उस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, कुछ भी आपका जितना इमेज का आप बनाना चाहते हैं स्टेटस। तो गाइस मैं कुछ इमेज यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, तो मैं कुछ इमेज ऐड कर लेता हूँ, तो आप भी अपना कुछ इमेज ऐड कर लीजिएगा। तो गाइस ये हमारा इमेज आ चुका है, तो गाइस हमारा इतना इमेज आ चुका भी है। तो गाइस आप भी इस तरीके से अपने इमेज को ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है गाइस, आपका जितना इमेज है उन सारे इमेज को आपको फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना है। तो आपको अपना इमेज के ऊपर क्लिक करना है और आपको जूम वाले ऑप्शन पर जाके इसे इस तरीके से आपको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको इक्वल का ऑप्शन दिखता होगा उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इक्वल का जो आपको ऑप्शन मिलता है उसके ऊपर आपको क्लिक करना, इसे लॉक कर देना है। तो गाइस इसी तरीके से आप सभी इमेज को अपने स्क्रीन पर एडजस्ट कर लीजिए। तो गाइस मैं कर लेता हूँ तो आप भी कर लीजिएगा कुछ इस तरीके से अपने स्क्रीन पर एडजस्ट। तो मैं सारा इमेज को कर लेता हूँ गाइस। तो गाइस हमारा जो इमेज है वो ऐड हो चुका है अच्छी तरीके से, फुल स्क्रीन में एडजस्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, इसमें आपको ट्रांजेक्शन एंड आपको ग्राफिक्स ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या तो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ग्राफिक्स ऐड करना है। तो अपने इमेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद क्या करना है, आपको साइड में एक ऑप्शन दिखता होगा क्लिप ग्राफिक्स, तो आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है। इसके बाद क्या करना है गाइस, आपको ये जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन मिलता है आपको लाइट स्लाइडर करके कुछ नाम है, तो आप इस इफेक्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा जो क्लिप ग्राफिक्स है। आप गेट मोर में जाके गाइस आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको चले जाना मॉडर्न सिंपल में, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा गाइस जो कि ये है। तो गाइस मैंने डाउनलोड कर चुका, तो गाइस आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ गाइस आप जब भी डाउनलोड कीजिएगा आपका नेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए तभी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो गाइस मैं तो डाउनलोड कर चुका, तो मैं अभी इसे ऐड कर लेता हूँ। तो इसमें से आप कोई भी ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं। तो गाइस मैं ऐड कर लेता हूँ यही सारी ग्राफिक्स को। तो गाइस हमारा ग्राफिक्स ऐड हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, इसमें आपको ट्रांजेक्शन ऐड करना है। तो आपको अपने बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक ये लाइट स्कैन वाला जो आपका इफेक्ट है उसे डाउनलोड करना है गेट मोर में जाके। तो गाइस गेट मोर में जाना है एंड आपको चले जाना है सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन आपको मिलता है वीप का आपको मिलता है, तो उस पर जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सो ये हमारा इसी पर आपको ट्रांजेक्शन मिल जाएगा जो कि ये गाइस, तो मैं डाउनलोड कर चुका हूँ तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अभी मैं अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं इस पर गाइस अपना ट्रांजेक्शन को ऐड करता हूँ। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड आप इसमें से ऐड कर लीजिएगा आपको जो अच्छा लगता है। तो गाइस मैं ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस फाइनली हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो ऐड हो चुका है। अब क्या करना है गाइस, आपको जो फर्स्ट वाला जो इमेज है उसे आपके इसके लेंथ को कुछ इस तरीके से आपको इसे छोटा कर देना है और आपका लास्ट वाला जो इमेज है उसे भी कुछ इस तरीके से आपको छोटी कर देना है।
तो इतना हो चुका हमारा गाइस। अभी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा जो वीडियो है वो बन के तैयार हुआ है ट्रांजेक्शन एंड ग्राफिक्स के साथ। तो अब आपको क्या करना है गाइस, आपका जो ये वीडियो बन के तैयार हुआ इमेज वाला उसको आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो शेयर पर जाना एंड इसे आप एक्सपोर्ट कर लीजिएगा तो आपका वीडियो ये सेव हो जाएगा। तो गाइस हमारा जो वीडियो सेव हो चुका है तो अब आपको क्या करना, बैक आ जाना है अपने काइंड मास्टर को होम स्क्रीन पर, इस जगह पर आपको आ जाना है। फिर आपको क्या करना, आपको प्लस का आइकन पर क्लिक करना, फिर आपको वन बाय वन मतलब आपको रेशियो सिलेक्ट करना है। इसके बाद क्या करना गाइस, आपको फिर से मीडिया पर क्लिक करना, बैकग्राउंड पर जाना एंड आपको ब्लैक वाला बैकग्राउंड आपको ऐड कर लेना है और इसके लेंथ को कुछ इस तरीके से आपको बढ़ा लेना है इसके। तो फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, लेयर पर जाना, मीडिया पर जाना है एंड आप जो अभी वीडियो स्टार्टिंग पर एक्सपोर्ट किए उस वीडियो को ऐड करना है। तो ये हमारा वीडियो आ चुका है, तो हमारा इतना हो चुका है। और अब आपको क्या करना, लेयर पर जाना, मीडिया पर जाना एंड आपको PNG जो आपने डाउनलोड किया था उसे आपको ऐड करना है। तो गाइस ये हमारा PNG आ चुका है, तो ये हमारा PNG आ चुका है गाइस। अभी आप देख पा रहे होंगे इसको, पहले आप इसके लेंथ को आप कुछ इस तरीके से आपको बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद आपको क्या करना है गाइस, फिर से आपको इसी लेयर पर क्लिक करना है, स्क्रीन वाले ऑप्शन में जाने से फुल स्क्रीन में एडजस्ट कर देना है। तो आपका जो वीडियो कुछ इस तरीके से सोने लगेगा, तो अभी आपको अच्छी तरीके से इसे एडजस्ट कर लेना है। तो आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो गाइस आप कुछ इस तरीके से इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारा जो वीडियो कुछ इस तरीके से बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, इसमें आपको टेक्स्ट वाला PNG ऐड करना है। तो लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना एंड आपको उसे डाउनलोड कर लीजिएगा जो कि ये है। तो ये हमारा आ चुका है, तो आपको इसे इस जगह पर एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, इसके लेंथ को कुछ इस तरीके से आपको बढ़ा लेना है। लेंथ बढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है एंड आपका जो लिरिक्स वाला जो वीडियो सॉन्ग है उसे ऐड करना है। तो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस उस ये गाइस हमारा वीडियो आ चुका है, तो अभी आप देख पा रहे हैं हमारा वीडियो आ चुका है। तो हमारा गाइस वीडियो ब्लैक पर है, ब्लैक स्क्रीन में है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्लेंडिंग में जाना है। ब्लेंडिंग में जाकर आपको इसे स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद गाइस आपका देख पा रहे हैं कि हमारा जो ब्लैक वाला साइड था, ब्लैक स्क्रीन था, वो हट चुका है और गाइस हमारा वीडियो है जो आ चुका है। तो सबसे पहले आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा अपने कुछ इस जगह पर, आपको इस जगह पर इसे एडजस्ट कर लेना है। तो आपका जो वीडियो कुछ इस जगह पर आ जाएगा, आपका जो लिरिक्स वीडियो आ चुका है। तो अब आपको क्या करना है गाइस, आपको इसमें एक इफेक्ट वाला वीडियो ऐड करना है। तो लेयर पर जाना, मीडिया पर जाना एंड आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस उस वीडियो को मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये हमारा वीडियो आ चुका है गाइस, अभी आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको फुल स्क्रीन में इसे एडजस्ट करना, तो स्क्रीन वाले ऑप्शन में जाना है, इसे फुल स्क्रीन में एडजस्ट कर देना। इसके बाद क्या करना गाइस, फिर से आपको लेयर पर क्लिक करना, उसी लेयर पर वीडियो इफेक्ट वाला, और आपको नीचे को ऑप्शन से होगा ब्लेंडिंग का, तो ब्लेंडिंग में जाकर आपको इसे कर देना स्क्रीन। तो आपका जो वीडियो इफेक्ट ऐड हो चुका है। और अब आपको क्या करना है गाइस, आपको इसमें फ्रेम वाला PNG ऐड करना है। तो लेयर पर जाना, मीडिया पर जाना एंड आप फ्रेम वाला PNG डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस ये हमारा फ्रेम वाला PNG आ चुका है, आपको इसे स्क्रीन में एडजस्ट करना है फुल स्क्रीन में। तो आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन में जाना है, इसे फुल स्क्रीन में एडजस्ट कर देना है, फिर आपको इसके लेंथ को कुछ इस तरीके से आपको बढ़ा लेना है। तो गाइस आप चाहे तो जितना लंबा इस वीडियो को रख सकते हैं, आप चाहे तो इसके डुप्लीकेट ले सकते हैं गाइस, मीडिया पर जाके दोबारा आप लेके इसे लंबा वीडियो बना सकते हैं। तो गाइस मैं बस अभी इतने ही इसे रखना चाहता हूँ, तो मेरा पीछे का जो फालतू पार्ट है जिस लेयर का, उसे मैं कट कर लेता हूँ। तो गाइस आप चाहे तो उतना लंबा रख सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से जितना लंबा आपको रखना वीडियो आप रख सकते हैं। तो गाइस मेरा जो फालतू पार्ट है बैक साइड का लेयर का, तो मैं इसे कट कर लेता हूँ। तो मैं कट कर लेता हूँ, आप भी चाहे तो कट कर लीजिएगा। तो कैंची पर जाना, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड कर देना है। तो गाइस फाइनली हमारा जो स्टेटस वो बन के तैयार हो चुका है। तो अभी मैं इसे एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो स्टेटस वो किस तरीके से बन के तैयार हुआ है। कभी तो पास मेरे आओ, कभी तो नजर मत से मिलाओ, कभी तो दिल से दिल को मिलाओ, हो जाना मेरी जान। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमारा जो स्टेटस वो किस तरीके से बन के तैयार हुआ है। तो आप चाहे तो अपना खुद का इस तरीके का स्टेटस बना सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ गाइस, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो करके ही जाइएगा यार। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और हाँ गाइस, इस वीडियो को सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा, शेयर के ऑप्शन पर जाना होगा और आपको जो भी क्वालिटी में से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, तो आपका वीडियो जो सेव हो जाएगा। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।